हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको एक जो पार्ट है वो बताया था, वो क्या था? वो ये था, ये हमारा क्लच बैरिंग। कुछ लोग क्लच बैरिंग बोलते हैं, कुछ लोग मेन बैरिंग बोलते हैं, कुछ इसे प्रेशर बैरिंग बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैकेनिक के पास ले जाते हैं, तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ब्रेक ऑयल का नाम आता है, क्लच का जब काम होता है तो ब्रेक ऑयल डलने की बात होती है, कि ब्रेक ऑयल लीक हो गया, ये वो 100 चीज़ें। तो लोग सोचते हैं कि यार क्लच एक अलग चीज़ हुई, ब्रेक एक अलग चीज़ हुई। तो कई लोग बहस करते हैं और वो सब, तो इसमें वो क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत आपका। ये होता है हमारा मेन बैरिंग, और क्लच बैरिंग कह दो यार, जो भी कह दो, मैं कोई भी टर्म यूज़ कर दूंगा, वो देख लेना आप। तो मैंने आपको जो पिछला वीडियो दिखाया था, जिसमें मैंने आपको सिंक्रोनस रिंग दिखाए थे, क्लच प्लेट दिखाई थी, ये सारी चीज़ें इकट्ठी, सारी लेबर एक ही लगेगी। जब भी आपका जो ब्रेक ऑयल है वो कम होने लगे, या फिर ब्रेक जो है वो सही से ना लग रही हो, प्रेशर ना बन रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है आपके मास्टर सिलेंडर में या कहीं और दिक्कत हो, इसमें भी दिक्कत हो सकती है। वो कैसे, आप ये देखो, ये देख रहे हो, एक ये रहा छेद, ये छेद देखो, ये वाला, ये रहा छेद, और ये रहा छेद, ये। तो यहाँ इसमें जो फ्लो करता है वो हमारा ब्रेक ऑयल फ्लो करता है, और ये हमारा जो क्लच प्लेट है उसके साथ ही लगता है, और ये इस तरह से दबता। अब तो ये जाम हो गया, ये देख रहे हो, ये स्प्रिंग, ये रही इतनी बड़ी सी, ये ऐसे जा रही है ये, और ये जब भी क्लच दबता है तो ये पूरा का पूरा नीचे दबता है। ये देखो, हल्की सी इसमें मूवमेंट है, नहीं है, कभी कभी दब जा रहा, कभी कभी नहीं, जाम हो पड़ा। ये रहा, ये देखो, ये दब गया ना, ये इसको देखता हूँ मैं दबा के, दबता है। तो इस तरह से ये यहाँ से ऐसे दबता है, ठीक। अब इसके अंदर जो सील लगी होती है ना, जो सील रोकती है तेल को अंदर, वो सील मोस्टली कट जाती है। सील अंदर ही होती है इसके, एक अंदर भी होती है सील, और एक और दिखाता हूँ, एक ये भी होती है सील, ये ऊपर ही लगी होती है इस तरह से, ऐसे करके इसका कवर जैसा होता है, ये देखो। तो ये भी कट जाता है और ये अंदर से भी सील, अब ये लीक करने लगता है अंदर ना, और जब ये लीक करने लगता है तो क्या तमाशा होता है फिर, कि हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो हमारा लो होने लगता है, और सही से ब्रेक्स भी काम नहीं करते। तो इसके लिए पूरा का पूरा वही तामझाम खुल जाता है जो हमारा क्लच प्लेट चेंज करने के लिए होता है। तो अब है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इसकी भी कीमत, जो उस समय मैंने लगवाया था तो ये उस समय मुझे 2200-2300 रुपये का लगा था, ये छोटा सा ही है, इतनी से आइटम 2200 या 2300 रुपये की डली थी। आज की कीमतें क्या क्या हैं, आप जो भी इनसे पाला पड़ा हो ना, जिस जिसका, वो मुझे बताना कि आज की कीमतें इन आइटमों की क्या क्या हो रही हैं, कितने महंगे हुए हैं, क्या हुए हैं। तो ये जब लीक हो जाता है तो काम आपका ब्रेक हल्का हल्का छोड़ देंगी, और कई बार क्लच फ्री हो जाता है हमारा, क्लच नहीं दब रहा होता, तो इस तरह के काम हो जाते हैं ये। और अब तो दबने लगा, ये देखो, फुच 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 करके आवाज़ आती है। तो इस तरह से वर्क करता है ये, यहाँ से ये देखो, ये और ये, इसी के साथ ही जो हमारा ब्रेक ऑयल है उसका भी यहाँ से सर्कुलेशन होता है, इस जगह से ये यहाँ। तो लुब्रिकेट करने का भी काम करता है वो, इस बैरिंग को, जो ब्रेक ऑयल है। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो होता भी यहीं से है, जो सील है वो कट जाती है और लीक करने लग जाता है। तो इसका भी जो पूरा तामझाम है वो सब कुछ खोल के रिपेयरिंग होती है, सब नया ही डलता है। रिपेयरिंग इसकी क्या होती है, नया ही डलता है, और जो बिल है हमारा वो पूरा का पूरा, अब मैं देखो तीनों आइटम दिखा देता हूँ आपको, ये डलता है, उसके बाद जो सिंक्रोनस रिंग अगर ख़राब है तो वो ये रहे, और मैंने आपको बताया दो सेट डले थे, तो ये हैं दो सेट, और उसके बाद आ जाती है ये क्लच प्लेट, ये, और इसमें ही सील वगैरह होती है और वो सब है। तो ये सब कुछ आप ये समझो, ये सारा का सारा तो तामझाम है, करीब 14-15 हज़ार रुपये का बिल बिठा देता है ये। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है, चीज़ों का, इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ वर्क करती है, कैसे ख़राब हो जाती है। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये जनरली हो ही जाता है। अब कुछ गाड़ियों का मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसी गाड़ी में मैंने देखा था, मैंने कहा हो गया ख़राब, चलो कोई बात नहीं, अब चीज़ ख़राब हुई है तो डलेगी डलेगी। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।